ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। वंदना योगी का राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की अध्यक्ष बनने पर हमीरपुर पहुंचने पर जोरदार स्वागत किया गया। हमीरपुर पहुंचने पर वंदना योगी का स्वागत करने वालों में जिला भाजपा तथा आरएसएस से जुड़े लोगों ने पुष्पहार व गुलदस्ते देकर स्वागत किया। अपने संबोधन में वंदना योगी ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का उन्हें जिम्मेदारी सौंपने पर आभार व्यक्त किया। राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की अध्यक्ष वंदना योगी का हमीरपुर पहुंचने पर जोरदार स्वागत किया गया। हमीरपुर पहुंचने पर वंदना योगी का स्वागत करने वालों में जिला भाजपा तथा आरएसएस से जुड़े लोगों ने पुष्पहार एवं गुलदस्ते देकर उनका स्वागत किया। अपने संबोधन में वंदना योगी ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का उन्हें जिम्मेदारी सौंपने पर आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि सड़कों पर प्रवासी बच्चों का भीख मांगना उनके ध्यान में है, जिसको रोका जाएगा। आपको बता दें कि वंदना और उनके पति योग सेंटर चलाते हैं और इनका परिवार आरएसएस से जुड़ा हुआ है। वंदना कुमारी प्रांत सेविका समिति की राज्य संपर्क प्रमुख के पद पर भी रह चुकी हैं। नदौन विधानसभा क्षेत्र के तहत पंसाई गांव की वंदना का हमीरपुर में ससुराल है। बाद में हमीरपुर में पत्रकारों के साथ बातचीत करते हुए वंदना ने कहा कि बाल अधिकारों एवं कानूनों को सख्ती से लागू किया जाएगा। आयोग इस बारे में जागरूकता कैंप भी लगाएगा। उन्होंने कहा कि सभी विभागों के सहयोग से बाल अधिकारों को संरक्षित भी किया जाएगा। भाई साहब, आप सबके माध्यम से एक तो मैं देश के जो नेतृत्व के अधीन अपने प्रांत से आत्मीय बंधु अपनी सेवाएं दे रहे हैं और प्रदेश सरकार का जो नेतृत्व है उसका आभार व्यक्त करना चाहूंगी कि इतनी महत्ती जिम्मेवारी आपकी इस बहन पे उन्होंने दी है, और उनको आपके माध्यम से विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि मैं उस पर खरा उतरने का भरसक प्रयास करूँगी। और आप सब से कर निवेदन ये है कि आप सबका उस सब में मुझे सहयोग रहे। जो राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की अध्यक्षा के नाते मुझ पर महती जिम्मेवारी आई है, उस सब में आप सबका सहयोग रहे। और अपने बच्चों के लिए, अपने प्रदेश के भविष्य के रूप में, इन बच्चों के पालन पोषण में, इनके जीवन विकास में कोई भी अगर बाधा कहीं दिखती है, कहीं कोई रुकावट दिखती है, कहीं कोई कमी है, तो आप सबकी प्रेरणा से, ऊर्जा से, शुभ स्नेह आशीष से उसको दूर करने का आयोग काम करेगा। क्योंकि एक्ट अधिनियम बहुत बने हैं, उसका क्रियान्वयन अगर अच्छे से हो जाए तो मुझे नहीं लगता कि हमारे प्रदेश का जो भविष्य है, जो बच्चा है, उसके जीवन विकास में कोई कमी रहेगी। वो सशक्त होगा, मजबूत होगा, और अपने जिला में हम सबसे पहले प्राथमिकता के आधार पर एक उदाहरण प्रस्तुत करेंगे कि यहाँ कोई हमें मजदूर रूप में बच्चा ना दिखे, कोई कुपोषण का बच्चा ना दिखे, कोई शिक्षा क्षेत्र में पीछे बच्चा ना दिखे, कोई नशे में बच्चा ना मिले। अगर ऐसा मैं कर पाऊंगी तो मुझे लगेगा कि मैं विश्वास पे खरा उतरी हूँ। आप सबका पुनः एक बार धन्यवाद। जैसे कि आपने कहा हम पहले उनके जागरूकता अभियान चलाएंगे, कोई उस तरह का? जी जी, स्वाभाविक है, उसमें इस आयोग के अंतर्गत जागरूक अभियान के नियमित कार्यक्रम रहते हैं, उनका समय समय पर आयोजन होगा। और संबंधित जो विभाग हैं इन अधिनियमों के नियमित, उनका अगर प्रशिक्षण करवाने की आवश्यकता होगी तो वो ट्रेनिंग कैंप भी करवाए जाएंगे। जो भी इसके नियमित हमें करने की आवश्यकता होगी वो आयोग करेगा। जागरूकता अभियान के लिए जो भी सामग्री आएगी उसका प्रचार प्रसार करने का, उसका प्रशिक्षण करवाने का, वो सारा काम आयोग कर लेगा। उसमें कमी क्यों नहीं आएगी? वो कमी होगी तो इसका मतलब आयोग की कोई कमी है। वही तो काम है आयोग का, समय समय पे दिशा निर्देश देना, उनके बारे में जानकारी इकट्ठा करना, उनके मामलों की छानबीन के लिए कैसा क्रियान्वयन चला हुआ, कैसी छानबीन चली हुई है, उस मसले पे क्या काम हो रहा है, यही काम आयोग का है। वो समय समय पे आयोग करेगा तो सामंजस्य सहयोग में मुझे नहीं लगता कोई कमी आएगी।